हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यस्टडी केएन यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति का एक प्रश्न दिया गया है कि 5 cos² 60" + 4 sec² 30" - tan² 45" - sin² 30" + cos² 30" इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे हल करेंगे। तो आपको यहाँ पर इसका हल करने के लिए, यहाँ पर देखिए 5 cos 60 θ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि cos 60 का मान कितना होगा। तो cos 60 का मान होता है 1/2, और sec 30 का मान होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए कि sec 30 का मान क्या होगा। sec 30 का मान होता है 2/3, और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान बराबर होता है 1। तो इस तरह से इन मानों को आपको रखना है। देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 5, यहाँ गुणे लगा देंगे cos 60 के मान 1/2 है, तो आप यहाँ लिख देंगे 1/2, और देखिए स्क्वायर लगा इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से देखिए 4 sec² 30" लिखा है, तो sec का मान कितना है, 2/3 है, इसे लिख देंगे 2/3, इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। -tan² 45 है, तो tan² 45 का मान होता है 1, यहाँ पर 1 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से अब सबका बटे करेंगे, तो बटे में देखिए लिखा गया है sin² 30, तो sin 30 का मान भी आपको याद रहना चाहिए। तो sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो आप लिख देंगे इन सभी मानों को। यहाँ पर लिखेंगे तो सभी मानों को जब लिखेंगे तो कितना हो गया है देख रहे हैं, अभी हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको देखिए cos² 30 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे cos² 30 का मान होता है 3/2, इसको भी आप यहाँ लिख लें कि cos 30 का मान 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर। तो इसके बाद आप सबको हल कर देंगे, यही आपका जो हल आएगा यही इसका मान हो जाएगा। तो आप इसको अब हल कर लें, अब केवल मैथमेटिकली प्रॉब्लम इसमें है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, हो जाएगा 5 × ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये देखिए हो गया 4 × हो गया 2 × 4/3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। कुल के बटे कितना होगा, देखिए ये हो गया 1/4, और ये हो गया 3/4 हो जाएगा। कर्डिम 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब आपको मैथमेटिकली इसको हल करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, अब मैथमेटिकली प्रॉब्लम है इसमें। मैथमेटिकल को कैसे हल करते हैं वही आपको करना है इसमें। देखिए 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, और देखिए ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ये 16/3 हो गया, और ये -1, इसको आप 1/1 लिख सकते हैं। और कुल के बटे देखिए 1/4 और 3/4, तो इसको आप लिख सकते हैं 4/4, इसे लिख देंगे 4/4 हो जाएगा, 4/4 ये हो 1 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे कितना, ऊपर देखिए आ गया 5/4 और +16/3 -1/1। अब नीचे 1 रह गया, 1 को आप लिखें चाहे तो रहने दें, तो आप चाहे तो इसको 1/1 कर दें। तब इसके बाद अब आपको हल करके x का इसको हल कर लेना है। तो हल कैसे करेंगे देखिए, अब आप लिखेंगे 5/4 और 16/3 और 1 का ले लेंगे,
एक बटा एक कर देंगे सबका, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम कर देंगे तो 12 आ जाएगा। आप यहाँ पर 12 लिख सकते हैं, ये 12 हो गया। इसके बाद अब चार तिहाई 12 करेंगे तो आ गया 3 का गुणा 5 में तो 15 हो जाएगा। इसी तरह से 3 × 4 = 12 16 हो गया, तो हो जाएगा 16 × 64 हो जाएगा। और फिर देखिए ये माइनस हो जाएगा 12 12 = 12। अब सबको आप देख रहे हैं 65 64 15 64 और 15 को जोड़ें कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 4 9 हो गया, और ये हो गया 6 1 7 79 - 12 और बटे कुल के 12 हो गया। अब 79 में से 12 घटाएं कितना आ जाएगा, आ गया 7 और 6 67/12 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 67/12 का भाग दे देंगे 12 5 60 हो जाएगा, ये जगह 5 7/12 यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।